गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर नेक्स्ट फार्मेकोलॉजी क्लास इन विच टुडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर दैट इज़ ऑटाकॉइड्स एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इन विच टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक हिस्टामिन एंड एंटी हिस्टामिनिक्स. Now, first of all, what is autoacoids? Autos means self and acoids means healing substance or remedy. मतलब खुद से जो healing कर रहे होते हैं, या आप acoids को medicinal agent या remedy भी मान सकते हैं. ये body की cell में से produce हो करके locally act करते हैं जिस जगह पर वो बने हैं और release होते हैं, इसलिए हम इनको लोकल हॉर्मोन्स भी कहते हैं. और इसके अंदर मेन कैटेगरी में हिस्टामिन, सीरोटोनिन 5-HT, प्रोस्टाग्लैंडिन पीजीज, ल्यूकोट्राइन्स, एंजियोटेंसिन जैसे सबस्टांसेस आते हैं. डाइवर्स सबस्टांसेस जो हैं वो हमने बोला कि भाई वाइड वैराइटीज़ ऑफ सेल्स जो हमारे बॉडी के वो इनको प्रोड्यूस करती है. जनरली ये लोकली ही एक्ट करते हैं, इसे लोकल हॉर्मोन्स कहलाते हैं. पर ये लोकल हार्मोन से थोड़े अलग होते हैं. बहुत सारे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है, और ये नर्वस सिस्टम में ट्रांसमीटर का काम भी करते हैं. जैसे अमाइन ऑटाकॉइड्स में हिस्टामिन सेरोटोनिन आता है, लिपिड डेरिवेटिव में प्रोस्टाग्लैंडिन LTPAF आता है, पेप्टाइड्स में प्लाज्मा काइनेंस और एंजियोटेंसिन आते हैं. अब सबसे पहले जो हम टॉपिक स्टार्ट करें दैट इज़ हिस्टामिन. Actually, histamine is an amine present in many animal and plant tissues. ऐसा amine है जो बहुत सारे animal plant tissues में पाया जाता है. Tissue amine है ये. Histose का मतलब ही tissue होता है. Abundantly animal tissues में पाया जाता है. इसके अलावा plant में जैसे जो stinging nettle जो होते हैं ना, ऐसे कांटे वाले, उनके अंदर देखने को मिलता है. ये hypersensitivity reaction का mediator होता है. मतलब इसकी वजह से हमारी body में hypersensitivity reaction दैट इज एलर्जिक रिएक्शन कॉज हो रही होती हैं. और ये एलर्जिक जो रिएक्शंस है टिशू पोटेंशियल टिशू इंजरी जो है वो कॉज होती है. फिजियोलॉजिकल रोल भी इन हिस्टामिन्स का होता है. प्राइमरी साइट क्या है, मास सेल ग्रेन्यूल से ये रिलीज होती है या बेसोफिल से रिलीज होती है स्किन, इंटेस्टाइन, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, लंग्स, लिवर और प्लेसेंटा में. इसके अलावा अदर साइट्स पर भी ये होते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में, स्टमक के फंडस में मेजर एसिड सीक्रेट गोज का काम ये कर रहे होते हैं, एपिडर्मिस में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा और ग्रोइंग रीजन्स के अंदर भी ये होते हैं. इसके अलावा ब्लड में, बॉडी सिक्रीशंस में, जो वैनम्स होते हैं स्नेक वैनम वगैरह उनके अंदर, पैथोलॉजिकल फ्लूड्स वगैरह के अंदर भी ये हिस्टामिन पाए जाते हैं. अब हिस्टामिन का बनना, स्टोर होना, रिलीज होना, तो देखिए एक और चीज़ बता दूं कि ये ऐसे मीडिएटर्स हैं जो ना केवल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, इवन इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस में भी इनका रोल होता है. ये पॉइंट याद रख लीजिएगा, वैसे आगे आ जाएगा, पर इन्फ्लामेटरी एंड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस बोथ में ये इन्वॉल्व रहते हैं. ये सिंथेसाइज होते हैं लोकली अमाइनो एसिड हिस्टिडिन से. जैसे हिस्टिडिन नीचे दिखाया गया ना, डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम के द्वारा हिस्टामिन में कन्वर्ट हो जाता है. P450 सिस्टम के द्वारा ये मेटाबोलाइज होते हैं दो पाथवे से, मिथाइलेशन और ऑक्सीडेटिव डीअमिनेशन के द्वारा, और यूरिन में एलिमिनेट होते हैं. मास्ट सेल से ये एसिडिक प्रोटीन और हिपैरिन के द्वारा, जो नेगेटिव चार्ज का होता है, और हिस्टामिन जो है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, उसके द्वारा ये मास सेल में हेल्ड रहते हैं. जबकि इनइफेक्टिव हैं अगर हम इनको ओरली देते हैं, क्योंकि लीवर से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जितना भी एब्जॉर्ब हुआ आपके इंटेस्टाइन में वो लीवर में जाकर के डिस्ट्रॉय हो जाएगा. इसलिए कोई खास काम का है नहीं, ओरली देना ही नहीं चाहिए. ये हिस्टामिन रिसेप्टर्स देखिए इनका क्या है, एक्चुअली बाइंडिंग टू H1 H2 रिसेप्टर्स. एक्चुअली हिस्टामिन एग्जर्ट्स इट्स इफेक्ट बाय बाइंडिंग टू H1 एंड H2 रिसेप्टर्स. H1 रिसेप्टर्स कहाँ पे, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं, H1 रिसेप्टर्स वहाँ पे पाए जाते हैं और कैपिलरी परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं. जबकि H2 रिसेप्टर्स जो हैं वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाने का काम कर रहे होते हैं.
तो इसके अलावा ये आपको फिर चार्ट बताया हुआ है, H1 H2 H3 का चार्ट इसके अंदर दिखाया गया है। आप देख लीजिए कि सेलेक्टिव एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इफेक्टर पाथवे और डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है। H1 रिसेप्टर 2 मिथाइल हिस्टामिन इसका एगोनिस्ट है, जबकि मेप्रामाइन जो है वो इसका एंटागोनिस्ट है। इफेक्टर IP3DAG पर इफेक्टर कहाँ कहाँ पे, इंटेस्टाइन वगैरह की, इंटेस्टाइन एयरवे यूट्रस की स्मूथ मसल्स पे, ब्लड वेसल्स में है तो वैसो डायलेशन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी करता है। एफरेंट नर्व्स में स्टिमुलेट करता है, गैंग्लियन सेल को स्टिमुलेट करता है। एडिनल मेड्यूला में सीए का रिलीज कर रहा होता है, ब्रेन में ट्रांसमीटर का काम करता है। H2 रिसेप्टर पे 4 मिथाइल हिस्टामिन एगोनिस्ट है। सेमेटिडिन रेनिटिडिन ये दो इसके एंटागोनिस्ट है। इफेक्टर पाथवे साइक्लिक AMP है। कहाँ कहाँ पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में एसिड सिक्रीशन का, ब्लड वेसल में डायलेटेशन का, हार्ट में एट्रिया और क्रोनोट्रॉफी और वेंट्रिकल प्लस आइनोट्रॉफी का ये वर्क कर रहा होता है। यूट्रस में उसको रिलैक्स कर देता है, ब्रेन में ट्रांसमिशन का काम कर रहा है। H3 रिसेप्टर का एगोनिस्ट है अल्फा मिथाइल हिस्टामिन, एंटागोनिस्ट है थायोप्रेमा पैरामाइड। सीधा नाम रट्टे मार लो, कैल्शियम इन्फ्लक्स और पोटेशियम चैनल एक्टिवेशन का काम करता है। ब्रेन में ये हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट करता है। लंग स्प्लीन गैस्ट्रिक म्यूकोसा में भी रिलीज को डिक्रीज कर देता है। इलियम में ACH रिलीज को रोक देता है और सेरेब्रल वेसल के अंदर नॉरएड्रेनालिन रिलीज को रोक देता है। इसके बाद जो अभी मैंने बात बताई हुई ना, वो इस चार्ट के अंदर दी हुई है। आप इसको खुद से देख लीजिएगा, ये आपके खुद के समझने का ही चार्ट है। एग्जाम में बनाना कोई खास ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन अपने नहीं आता। मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए इसलिए ये स्लाइड इसमें डाली है। अब देखिए, रिलीजिंग एजेंट्स कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं। एक तो ये IgE मीडिएटेड रिलीजर्स, IgE हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन टाइप 1 जो होते हैं उसको अपन IgE मीडिएटेड रिएक्शन कहते हैं। उसके अंदर हिस्टामिन रिलीज होता है और एक नॉन इम्यून रिलीजर से भी निकलता है। IgE मीडिएटेड रिलीजर्स किस किस वजह से रिलीज हो जाएगा, फूड की वजह से, जैसे एग, पीनट्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रेन्स और स्ट्रॉबेरीज से कई बार एलर्जी होती है तो ये रिलीज होते हैं। ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड्स वगैरह से ये रिलीज होने लग जाते हैं। वैनम्स कुछ फायर एंट्स होती हैं, स्नेक या ये जो मधुमक्खी होती है उसके डंक से जो जहर निकल रहा होता है उसमें भी ये रिलीज होते, तो फूल जाता है ना वो पार्ट अपना जहाँ पर उसने काटा होता है। फॉरन प्रोटीन्स जैसे कि नॉन ह्यूमन इंसुलिन और सीरम प्रोटीन अगर किसी को दिया जाए तब भी ये हिस्टामिन रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और एंजाइम जैसे काइमोपेपेन के थ्रू भी ये रिलीज होता है। नॉन इम्यून रिलीजर्स में मॉर्फिन और दूसरे ओपियोइड्स आते हैं, एस्प्रिन और दूसरे नेसिड्स आते हैं। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आपको याद हो जाना चाहिए, कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर ऐसा होता है। वैंकोमाइसिन अगर आप IV देते हो तो उसे रेडमैन सिंड्रोम हो जाता है, क्योंकि ये हिस्टामिन रिलीज होता है। इसके अलावा पॉलीमिक्सिन बी से भी हो जाता है, कुछ एक्सरे की वजह से भी देखने को मिलता है। सक्सिनल कोलीन, डी ट्यूबो क्यूरारिन की वजह से, एनाफाइला टॉक्सन्स होते हैं और कोल्ड और सोलर अर्टिकेरिया स्किन का डिसऑर्डर है उसकी वजह से भी लोगों में ऐसा हो जाता है। अब हिस्टामिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए भाई, क्या है इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। पहले एक बार जनरल बता देती हूँ फिर ये लैंग्वेज आपको बताऊँगी। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में ये H1 ब्लॉकर्स का काम कर रहे हैं, जो कि CNS डिप्रेशन कॉज कर देगा, जैसे सिडेशन, ड्रॉजीनेस हो जाता है। कुछ एंटी हिस्टामिन्स में एंटी एमेटिक इफेक्ट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनमें एंटी एलर्जिक एक्शन भी होता है। तो इसके साइन सिम्टम्स में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है वो सप्रेस्ड हो जाती है। एंटी कॉलिनर्जिक एक्शन भी इनमें होता है, जिसे मुंह सूखने लगता है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, यूरिन रिटेंशन हो जाता है। तो ये तो जनरल मैंने इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस बता दिए। अब आप इसके अंदर देखिए, ब्लड वेसल्स में जो स्मॉल वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाएंगी, जैसे आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स वगैरह डायलेट हो जाती हैं। अगर आप इसको ऐसी सबक्यूटेनियसली एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो फ्लशिंग हीट कॉज करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, CO को बढ़ा देता है, BP में थोड़ा बहुत कमी दिखाई दे रही होती है। रैपिड IV इंजेक्शन अगर आप देते हैं तो BPH1 की वजह से शुरुआत में H1 रिसेप्टर की वजह से कम होगा और बाद में परसिस्टेंट हो जाता है वो H2 की वजह से। H1 केवल होता है तो लो डोज के साथ में दिया जा रहा होता है, अगर अपन चाहते हैं केवल H1 इफेक्ट दिखे। इसके अलावा क्रेनियल वेसल को डायलेट कर देता है, बस ठीक है, बाकी रहने दीजिए, कोई खास काम के नहीं है।
ये ट्रिपल रिस्पॉन्स है हिस्टामिन का। सब डर्मल हिस्टामिन इंजेक्शन अगर आप लगाते हैं तो रेड स्पॉट हो जाता है, फ्लेयर हो जाता है, व्हील बन जाता है उस एरिया के अंदर कुछ मिनटों, फ्यू एमएम का कुछ सेकंड्स के अंदर ही वैसोडाइलेशन इफेक्ट की वजह से H1 रिसेप्टर मीडिएटेड होता है कि रेड स्पॉट उस एरिया में बन जाएगा। फ्लेयर 1 सेंटीमीटर से बड़ा जब वो बनता है, एक्सोनल रिफ्लेक्सेस है क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट वैसोडाइलेशन हो रहा है, उस जगह खुजली मचने लग जाएगी। और 1 से 2 मिनट के बाद में ना सेम एरिया का जो ओरिजिनल स्पॉट है वहाँ पर व्हील बन जाएगा, एडिमा बन जाएगा क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी उस एरिया की बढ़ जाती है। अभी तक तो केवल लाल ही हुआ था वो एरिया, उसमें हल्की स्वेलिंग आई थी, अब उसमें एडिमा हो गया यानी फ्लूड भी भर जाता है, फ्लूड क्यों भर गया क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो बढ़ चुकी है इस वजह से। ये तो हुआ इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन। दूसरा हार्ट पे इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स ये कॉज कर देता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन एवी कंडक्शन को स्लो कर देता है, और डायरेक्ट कार्डियक इफेक्ट्स भी इसका हो रहा होता है बेरोसेप्टर की वजह से, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो अपन ओवरऑल कह सकते हैं H1 की वजह से AV कंडक्शन कम हो जाएगा, H2 की वजह से क्रोनोट्रॉफी और ऑटोमेटिसिटी देखने को मिलती है, हमारे को बढ़ जाती है वो। विसरल स्मूथ मसल्स में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है, इंटेस्टाइन का भी कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, कोलिक की कंडीशन हो जाती है, और यूट्रस पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होता। ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक सीक्रीशन कॉज करता है पैप्सिन जैसे चीज़ों का। इसके अलावा सेंसरी नर्व एंडिंग में अगर आप दे रहे हो तो इचिंग कॉज हो जाती है, और अगर हाई डोज दे रही है तो दर्द भी होने लग जाता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लियर एडिनल मेड्यूला पर असर क्या पड़ेगा कि एडिनलिन का रिलीज होगा जिससे बीपी बढ़ जाएगी। CNS में ये BBB को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए CNS पर कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, पर इंट्रासेरेब्रल इंजेक्शन वगैरह अगर आप लगा रहे हैं तो बीपी बढ़ जाएगा, कार्डियक स्टिमुलेशन हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, अराउजल और वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। अब पैथोफिजियोलॉजिकल रोल क्या है हिस्टामिन का, तो ये गैस्ट्रिक सीक्रीशन कॉज करता है, बस इतना आपके लिए काफ़ी है, जिससे कि वजह फीडिंग वेगल कॉलर्जिक गैस्ट्रिक बस ठीक है छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना लिखिए कि ये गैस्ट्रिक सीक्रीशन कॉज कर देता है, एलर्जिक फिनोमिना देखने को मिल रहा होता है इसमें, ट्रांसमीटर की वजह से एफरेंट ट्रांसमीटर के कारण ये इचिंग और पेन कॉज कर देता है, और इन्फ्लामेशन तो मैंने आपको कहा ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वैसोडाइलेशन हो रहा है इन्फ्लामेशन में, ल्यूकोसाइट्स वहाँ पर आकर के चिपक जाते, तो हिस्टामिन इन्फ्लामेशन कॉज करता है। H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अब इसके ज़रा देखें अपन कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म इसका एपिनेफ्रिन जैसी चीज़ें हैं, ये हिस्टामिन रिलीज को इनहिबिट कर देती है जैसे क्रोमोलाइन जैसी चीज़ें हैं। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज्म एंटी हिस्टामिन्स होते हैं, फर्स्ट जनरेशन में सिडेटिंग कॉज करता है जबकि सेकंड जनरेशन इसकी नॉन सिडेटिंग होती है। फिर क्लासिफिकेशन के अंदर ये फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन का दिया हुआ है, क्या हो रहा होता है इसमें, हाईली सिडेटिव्स के अंदर डाइफेनहाइड्रिन आती हैं, बाकियों के नाम आप देख लीजिएगा, मॉडरेटली के अंदर फेनिरामिन और साइप्रोहिपैडिन आती है। ये जो ब्लू की हुई है ना ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं इसकी, इसलिए आपको ये नाम याद रखना है, सिनारेजिन जैसी, सिनारेजिन तो आपने सबने नाम सुना ही है इसका। माइल्ड के अंदर क्लोरफेनिरामिन और क्लेमास्टिन का रोल होता है, सेकंड जनरेशन के अंदर फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, सिट्रिजन, लिवोसिट्रिजन, एजिलास्टन, मेजोलास्टन, एवास्टन और रिपैटिडिन जैसी ड्रग्स इसकी सेकंड जनरेशन के अंदर आ रही होती हैं। ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन ऑफ H1 ब्लॉकर्स विद रूट एंड ओरल डोज, ओरल डोज तो खैर अभी मैंने आपको नहीं बताई है, रूट के हिसाब से अपन ये देख रहे होते हैं कि ये इसका क्लासिफिकेशन है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। अब देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंटी हिस्टामिनिक्स का, अभी तक तो अपन ने हिस्टामिनिक्स के देखे थे,
अब एंटी हिस्टामिनिक्स के अगर अपन एक्शंस देखें, एंटी हिस्टामिनिक के एक्शन मैं आपको बताऊं, उससे पहले ये बता देती हूँ, मैं हिस्टामिन्स के बारे में बता देती हूँ, इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। एलर्जिक डिजीज़ में अपन यूज़ करते हैं, कॉमन कोल्ड में, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी अपन इसको काम में लेते हैं, एंटी एमेटिक के रूप में, और पार्किंसोनिज्म में भी इसका रोल होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या सलाइन इन्फ्यूज़न रिएक्शंस में होता है, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स के अंदर इसका रोल होता है। तो ये तो हुई अपनी हिस्टामिन के रोल के बारे में। अब इसके बाद मैं आपको जो बता रही हूँ वो एंटी हिस्टामिनिक्स के बारे में सुनिए। एंटी हिस्टामिन के एंटागोनिज्म होते हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स ऑब्वियस है, नाम से पता चल रहा है, इफेक्टिवली ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्लॉक कर देता है, इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन को नहीं होने देता, दूसरे स्मूथ मसल्स और को ब्लॉक कर देता है, ट्रिपल रिस्पॉन्स को ब्लॉक कर देता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स अभी अपन ने पढ़ा था थोड़े समय पहले ही, है ना, कुछ स्लाइड पहले ही आया था, देख लीजिएगा आप। इसके अलावा लो डोज में देंगे तो बीपी फॉल, एंटागोनाइज्ड है ये, पर H2 ब्लॉकर्स में चाहिए होता है टू काउंटर हाई डोज फॉल इन बीपी में ये यूज़ किया जाता है। लार्ज वेसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, उसको भी एंटागोनाइज्ड एक्चुअली ये कर रहा है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ता। एंटी एलर्जिक के एक्शंस के अंदर ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी मैनिफेस्टेशन रिएक्शंस को सप्रेस कर देता है। इसके अलावा अर्टिकेरिया, इचिंग और एंजियोएडिमा को कंट्रोल करने में, अर्टिकेरिया स्किन का, इचिंग भी स्किन का है, एंजियोएडिमा में फ्लूड भर रहा है, एंजियोएडिमा भी फ्लूड वाला स्किन का ही पार्ट है। एनाफाइलैक्टिक फॉल जो बीपी का हो रहा है उसको भी अपन ठीक कर सकते हैं। एस्थमा पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। CNS पर वेरिएबल डिग्री का जो CNS डिप्रेशन होता है, जैसे सेडेशन वगैरह, वो डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ड्रग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ट्रिपल बी को और CNS को ये क्रॉस कर सकता है। बस इसके अलावा बाकी जो है आप देख लीजिएगा कि ये डिपेंड कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन, सब पे एक जैसा असर पड़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वेरिएशन आ रहा होता है ये पर्सन्स में, कुछ में तो रेस्टलेसनेस और नींद की कमी कर देता है। सेकेंड जनरेशन के ड्रग नॉन सेडेटिंग होती है। प्रोमेथाजन मोशन सिकनेस को कंट्रोल करने के काम में आ रही है, जो बिना किसी कारण के हो रहा हो, और प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के लिए भी है। प्रोमेथाजन जो है वो पार्किंसोनिज्म की रिजिडिटी और ट्रेमर को कंट्रोल करता है। एंटी कॉलिनर्जिक जो है, बहुत सारे एंटी कॉलिनर्जिक की प्रॉपर्टी जैसे कि प्रोमेथाजन में हाइएस्ट हो रही होती है, एडिटिव एक्शन रखता है ये एट्रोपिन के साथ में। लोकल एनेस्थेटिक के रूप में फिनारामिन, मैंने अभी ये बताया भी था इसका लोकल एनेस्थीसिया के बारे में, फिनारामिन मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट दिखाता है, पर एंटी एरिदमिक के साथ में इरिटेशन कॉज नहीं कर रहा होता, और ऑल्सो एंटी एरिदमिक भी ये है। बीपी फॉल हो जाती है अगर आईवी इंजेक्शन में आप देते हो, पर ओरल के साथ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो ये तो सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक देखिए भाई, क्लासिकली ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, ओरली बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं, पैरेंटरली भी लीवर में ये मेटाबोलाइज हो जाते हैं, यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, पूरी बॉडी में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ब्रेन के अंदर घुसते हैं, ट्रिपल बी को क्रॉस करते हैं, माइक्रोसोमल हिपैटिक एंजाइम को ये इंड्यूस करेंगे। इसलिए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 4 से 6 घंटे होता है, पर कुछ एक्सेप्शन से जैसे कि सिट्रिजन, लोरेटाडिन, फेक्सोफेनाडिन वगैरह के साथ में ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और मेनली बिना मेटाबोलाइज्ड हुए ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। स्पेशली ये सिट्रिजन और लोरेटाडिन तो यूरिन में एक्सक्रीट आउट होती है, जबकि फेक्सोफेनाडिन जो है वो फीसिस के अंदर एक्सक्रीट आउट होती है। अब ADRs, H1 एंटागोनिस्ट जो है, सेडेशन वगैरह के साथ इसका रोल बताया गया है। ये वाली चीज़ें आप खुद से देख लीजिएगा। एलर्जिक रिएक्शंस कॉज कर देती है अगर अपन टॉपिकली इसको यूज़ करते हैं, जिसको अपन कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। पेरीफ्राई में ये एंटी मस्कारिनिक इफेक्ट दिखाते हैं, जैसे मुंह सूखने लगता है, ब्लड वीजन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, यूरिन का रिटेंशन हो जाता है, एपिगैस्ट्रिक डिस्ट्रेस और सरदर्द होता है। एक्यूट ओवरडोज देने पर ये CNS को एक्साइट कर देता है, दिमाग आपका एक्साइटेशन आ जाता है, ट्रिमर हेल्यूसिनेशन पर्सन में देखने को मिलता है, और ये एट्रोपिन के पॉइजनिंग की जैसी कंडीशन कर देता है, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या सीवियस फेलियर की वजह से हो सकता है पर्सन की डेथ हो जाए। थेरापेटिक यूज़ तो मैंने पहले आपको बताया था। एलर्जिक रिएक्शंस में ये इसका रोल होता है, ये AGAB रिएक्शन को तो सप्रेस नहीं करता है, पर हिस्टामिन के रिलीज को ये ब्लॉक कर देता है।
जिसमें कि जिस वजह से ये इचिंग, अर्टिकेरिया, सीजनल हे फीवर, ये भी एक तरह की Type 1 एलर्जिक रिएक्शन है, लोकल टाइप की एलर्जिक रिएक्शन होती है हे फीवर, उसके लिए अपन ये दवाई दे सकते हैं। कौन सी? एंटी हिस्टामिन, क्योंकि हे फीवर हिस्टामिन की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस हुआ है तो अपन दे सकते हैं एंजियोएडिमा, लिप्स और आईलिड्स के अंदर एंजियोएडिमा। कई लोगों ने देखा ना अपने आँखों के नीचे वाला पार्ट फूला हुआ सा होता, थोड़ा ज़्यादा फूला हुआ एंजियोएडिमा होता है, तो उसमें अपन दे सकते हैं। लैरेंजियल एंजियोएडिमा भी कईयों में देखने को मिलता है एड्रिनल गेन की वजह से, उनमें भी अपन ये दवाइयाँ दे सकते हैं। एनाफाइलैक्टिक शॉक, इससे कोई खास ठीक नहीं हो रहा होता है। पेरिनियल वैसोमीटर, राइनाइटिस के अंदर भी थोड़ा कम ही इफेक्टिव है। एटॉपिक डर्मेटाइटिस में भी कुछ खास असर नहीं दिखा था। क्रॉनिक डर्मेटाइटिस में भी इसका कोई खास असर नहीं है। ब्रोंकियल एस्थमा में तो कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा ह्यूमरल या सेल मीडिएटेड एलर्जीज में भी रोल नहीं है। दूसरी कंडीशन जैसे हिस्टामिन इंसेक्ट बाइट में आ रहा हो, आईवी पॉइजनिंग की वजह से हो रहा हो, सिम्टोमेटिक रिलीफ ये दे देगी दवाई। प्रोनेटाइटिस में एंटी प्रोराइटिक का काम कर रही होती है, खुजली मचरी होती है तो फिर ये उसको ठीक कर देगी। कॉमन कोल्ड में सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देती है, अगर आप इसको दें तो बुज़ुर्ग लोगों के अंदर अपन ये दवाई यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मोशन सिकनेस में काम आ रही होती हैं। दवाइयों के नाम लिखे पड़े हैं, जर्नी से 1 घंटा पहले आपको जैसे साइक्लाइजिन वगैरह कुछ भी आप दे रहे हैं, मेनली अपन प्रोमेथाजिन दे रहे होते हैं। प्रोमेथाजिन मॉर्निंग सिकनेस में भी, प्रेग्नेंट लेडीज़ में मॉर्निंग सिकनेस में भी दी जा रही होती है, या ड्रग की वजह से इंड्यूस्ड होने वाले या पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग किसी में हो रही हो, ड्रग की वजह से होने वाली वॉमिटिंग या ऑपरेशन के बाद होने वाली वॉमिटिंग या रेडिएशन की वजह से होने वाली वॉमिटिंग में भी अपन प्रोमेथाजिन देते हैं। वर्टिगो, अगर चक्कर किसी को आ रहा है तो सिनारिजिन देते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। कफ में भी अपन फॉलोइंग मेडिसिंस के साथ में प्रोमेथाजिन दे सकते हैं। पार्किंसोनिज्म में प्रोमेथाजिन, एंटीकोलिनर्जिक और सेडेटिव्स का रोल है। एक्यूट मस्कुलर डिस्टोनिया में पैरेंटल दे सकते हैं प्रोमेथाजिन को, एंटी डोपामिनर्जिक और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के साथ दिया जा सकता है। सेडेटिव हिप्नोटिक में भी अपन इसको दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, 2 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। सेकेंड जनरेशन के एंटी हिस्टामिनिक्स जो है, इनका कोई एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट होता नहीं है। H1 रिसेप्टर के लिए हायर एफिनिटी ये रखती हैं। सीनस डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी इनमें एब्सेंट होती है। एडिशनल एंटी एलर्जिक में LTPF इनहिबिशन ये कर रही होती हैं। एडवांटेज क्या है सेकेंड का फर्स्ट के कंपैरिजन में? इनमें इनकी वजह से कोई साइकोमोटर इम्पेयरमेंट नहीं होता, तो ड्राइविंग अपन अलाउड कर सकते हैं पेशेंट को। हिस्टामिन मैंने कहा था ड्राइविंग नहीं अलाउड करनी है। कोई सब्जेक्टिव इफेक्ट इसका नहीं होता, कोई नींद नहीं ये कॉज कर रहा होता। BDZ और एल्कोहल के साथ भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। इंडिविजुअल हिस्टामिनिक्स के अंदर एडवर्स इफेक्ट बहुत कम देखने को मिल रहे होते हैं फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सब के नाम लिखे हुए हैं मेडिसिंस के, और ये किस किस को, जैसे फर्स्ट फिक्सोफिनाडिन जो है वो K1 चैनल को हार्ट में जो है उसको ब्लॉक कर देती है हायर डोज देने पर। और ये जो फॉलोइंग मेडिसिंस लिखी हुई है हमारे इंडिया के अंदर बैन है, जो जो बैन है वो भी यहाँ पे बताई हुई है कि ये बैन है। लोराटिडिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग होती है, H1 ब्लॉकर, पेरिफेरल H1 ब्लॉकर के लिए सिलेक्टिव होती है। सीनस डिप्रेशन में कोई खास रोल नहीं है, वगैरह वगैरह, आप ये खुद ही पढ़ लीजिएगा। अर्टिकेरिया में और डर्मेटाइटिस में अपन इसको काम में लेते हैं। सिट्रिजिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग्स है आजकल। आजकल इसी का लेवोसिट्रिजिन अपन काम में लेने लग गए क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े कम होते हैं। पेरिफेरल H1 रिसेप्टर पर इसकी एफिनिटी होती है, BBB को क्रॉस नहीं कर सकते, पर इसीलिए हाई डोज में अपन इसको दे रहे हो तो थोड़ा असर दिखाती है। बॉडी में मेटाबोलाइज नहीं होती, कोई कार्डियक एक्शन नहीं होता है। दूसरे एंटी एलर्जिक एक्शंस इसके देखने को मिल रहे होते हैं, तो ये हिस्टामिन साइटोटॉक्सिक मटेरियल वगैरह को इनहिबिट कर देती है। स्किन कंसंट्रेशन हाई, तो अर्टिकेरिया के अंदर अच्छा असर दिखाएगी और डर्मेटाइटिस में भी अच्छा असर दिखाएगी। हाफ लाइफ लंबी होती है इसलिए डेली सिर्फ एक ही लेनी है ये मेडिसिन। अपर रेस्पिरेटरी एलर्जीज के अंदर पॉलिनोसिस किसी को हो गया हो, पॉलन्स की वजह से एलर्जी हो गई हो तो दे सकते हैं। अर्टिकेरिया हो गया हो, एटॉपिक डर्मेटाइटिस हो गया हो, या सीजन किसी पर्टिकुलर सीजन की वजह से एस्थमा हुआ हो तो ये अपन दे सकते हैं। इसके अलावा एजेलास्टाइन ड्रग है, ये भी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देती है, टॉपिकल एक्शन दिखाती है H1 ब्लॉकर के ऊपर ये।
नेजल म्यूकोसा के अंदर इसका रोल होता है, इंटरनेजल एप्लीकेशन इसका किया जाता है। हाफ लाइफ 24 घंटे की होती है, पर एक्शन लंबा होता है इसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स की वजह से। इंट्रानेजल मैं आपको बोल ही चुकी हूँ, सीजनल या पैरिनल राइनाइटिस के केस में अपन इसको देते हैं। दूसरी ड्रग है माइजोलेस्टाइन, नॉन सिडेटिंग होती है, राइनाइटिस और अर्टिकेरिया में ये काफ़ी इफेक्टिव है। हाफ लाइफ 8 से 10 घंटे तक सिंगल डोज में ये अपना असर दिखाएगी। नेक्स्ट है इवेस्टाइन ड्रग, जो कि कैपेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। हाफ लाइफ 10 से 16 घंटे, नो सिडेशन कॉज करेगी, नेजल और स्किन एलर्जी में काम में ले रहे होते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फेमोटिडिन और रोक्सेटिडिन ड्रग्स आती हैं। बस इसके साथ आपका ये जो टॉपिक है हिस्टामिन वाला वो यहाँ पर ख़त्म। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या अगर आपके कोई और क्वेश्चन इसके ऊपर आया जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चंस हैं जो आप लिख करके मुझे इसके मैसेज जो हैं वो आप आंसर्स जो हैं वो मैसेज व्हाट्सएप के थ्रू मुझे आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।